अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सरवर शकूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज कराची की आवाज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुज्जर नाला लियाकताबाद पॉइंट पे, और यहां आने का मेरा मकसद ये है कि जैसे कि आप दोस्तों को पता ही है, अभी मई का महीना चल रहा है और जून का महीना स्टार्ट होते ही कराची पे मानसून की बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं। तो यही मैं अपने देखने वाले दोस्तों को दिखाने आया हूँ कि मानसून की बारिशों के लिए गुज्जर नाले तैयार हो सका है या अभी तक तैयार नहीं हो सका, और अगर काम हो चुका है तो कितना काम हुआ है, और काम होना बाकी है तो अभी कितना काम बाकी है। तो चले दोस्तों, यही मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं। चले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये मैं लियाकताबाद पॉइंट पर मौजूद हूँ, और ये सामने लालू खेत 10 नंबर लालू खेत की फ्लैट से नज़र आ रही होंगी आपको। तो यहाँ पे ये लियाकताबाद पे गुज्जर नाला पॉइंट है, और यहाँ पे ये जो गुज्जर नाले का काम है वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 75% कम्प्लीट हो चुका है और 25% बाकी है। अब मैंने 75% इसलिए कहा और 25% बाकी इसलिए कहा कि यहाँ पे अभी ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है, ये जो अभी यहाँ पे सरिया छोड़े गए हैं, ये तकरीबन इसको पूरा इसको कॉन्क्रीट किया जाएगा, इसके बाद यहाँ पे खुदाई की जाएगी। ये जैसे कि आप दोस्त देख सकते हैं कि खुदाई जो होगी यहाँ से तकरीबन 18 फीट नीचे तक ये खुदाई होगी, ये आपको अंदर नज़र आ रहा होगा। और अभी जो यहाँ पे ये आपको मिट्टी नज़र आ रही है जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ, इस सब को हटा दिया जाएगा, और ये जो पानी आपको इस तरह जाता हुआ नज़र आ रहा है ये पूरा इस एरिया पे जाएगा। ये जो इस साइड की दीवार है यहाँ से लेके उस साइड की दीवार तक यहाँ पे पानी, यहाँ से पानी का गुज़र होगा, तो फिर ये कराची वालों के लिए बेहतरीन हो जाएगा। जैसा कि आप दोस्तों को पता है, गुज्जर नाले का काम हो, रंगी नाले का काम हो, क्यों स्टार्ट हुआ था कराची पे, जो वेदर चेंजिंग सिस्टम है, जहाँ जब से ये वेदर चेंज हुआ है तो यहाँ पे बहुत क्लाइमेट चेंजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कराची को बड़े नाले की ज़रूरत है। तो औरंगी नाला, गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है, औरंगी नाला और गुज्जर नाला कम्प्लीट होना बाकी है, तो यही अभी काम चल रहा है। तो आज मैं गुज्जर नाला लियाकताबाद पॉइंट पर मौजूद हूँ, और यहाँ जो काम हो चुका है या जो काम होना बाकी है वो मैं अपने व्यूवर्स को दिखाने आया हूँ। तो आप अभी देख सकते हैं तकरीबन ये 80 से 100 फीट का नाला है, और जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पे जो बारिश का पानी ओवर फ्लो होता था या रोडों पे निकलता था उससे यहाँ लोगों की जान छूट जाएगी। तो अभी जैसा कि आप दोस्तों को मैं यहाँ पे सेवरेज का जो बनाया जा रहा है सिस्टम वो भी दिखाता चलूँ, और ये भी बताता चलूँ जैसा कि ये नाला बनकर तैयार हो जाएगा तो साथ में जो रोड बनेगा वो तकरीबन रोड के साथ ये जो दीवार है इसको ऊपर ले जाया जाएगा, और वो तकरीबन रोड से 6 फीट ऊंचा दीवार बनाया जाएगा, जो कि यहाँ पे जो ट्रैफिक गुजरेगी या जो यहाँ के रिहायशी उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा कि कोई हादसा पेश नहीं आएगा और कोई ख़तरा यहाँ पे लोगों को सामना नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी रोड वगैरह का काफ़ी काम बाकी है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बस यहाँ पे अभी नाले का काम हो रहा है और नाले का भी काम काफ़ी बाकी है। और ये भी मैं अपने देखने वाले दोस्तों को बताता चलूँ, ये जो गुज्जर नाला यहाँ लियाकताबाद से गुज़र रहा है ये आगे जाके लियाली नदी पर डायरेक्ट मिलेगा। तो चलती है आगे चल के मैं आपको अब और गुज्जर नाले की सिचुएशन दिखाता हूँ। अच्छा, तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये जो मेन नाला है इसके साइड से यहाँ पे ये जो सेवरेज के लिए नाला बनाया गया है वो तकरीबन 6 फीट इसकी, 6 से 7 फीट इसकी चौड़ाई है और तकरीबन 5 फीट इसकी लंबाई होगी। तो ये जो यहाँ इलाके पे जो सेवरेज का पानी होगा गली महल्ले का वो इससे गुजरेगा, वो डायरेक्ट मेन नाले पर नहीं जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप ये देख सकते हैं मैं काफ़ी आगे आ चुका हूँ, और यहाँ पे भी नाला कुछ उसी तरह गुज़र रहा है और नाले का काम कुछ लमसम वैसे ही है, और बाकी यहाँ पे ये जगह छोड़ा गया है। अब यहाँ से मेरे ख्याल से यहाँ से पुल को गुज़रना है, अब देखते हैं यहाँ पे पुल बनता है तो कब तक बनता है। और ये आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सरिया वगैरह डाला गया था लेकिन कंक्रीट नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये इस तरह मेरे ख्याल से बारिशों की वजह से ये सरिया बांधा जब गया था तो ख़राब हो गया है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ की सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, काम यहाँ पे काफ़ी हद तक नहीं हो सका है और काफ़ी काम होना बाकी है। यहाँ पे गुज्जर नाला लियाकताबाद पॉइंट से थोड़ा अंदर आया हूँ मैं, तो ये एरिया है। तो दोस्तों ये लियाकताबाद 3 नंबर का एरिया है।
तो दोस्तों यहाँ पे भी मैं आगे आया हूँ, तो यहाँ से बस यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंजिंग नज़र आया, यहाँ से पानी का गुजारने का रास्ता भी इन लोगों ने इस तरह बना के यहाँ पार पार जाने का रास्ता बनाया हुआ है। और आप यहाँ पानी का प्रेशर देख सकते हैं, पानी कितनी तेज़ी से यहाँ से गुजर रहा है। और आगे क्रेन के ज़रिए काम किया जा रहा है, मशीनरी लगी हुई है। तो जैसा कि आप दोस्तों के इल्म में है कि बारिश होने वाली है, और कराची पे दो नाले पे अभी काम हो रहा है और काफ़ी सुस्तवी का ये काम शिकार है। तो ये काम तेज़ी से करना चाहिए, वरना कराची शहर को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा, या ये जो नाले के अतराफ़ पे रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो आप जैसा कि ये देख सकते हैं इस टाइम यहाँ के ये मनाज़िर हैं। तो दोस्तों ये जो आज आपको मैं कवरेज दिखा रहा था, ये लियाकताबाद गुजर नाला पॉइंट था। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ आप दोस्तों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।